हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। वेलकम ऑल ऑफ यू इन कंप्यूटर क्लासेस फॉर क्लास 7। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज फोटोशॉप एंड हाउ टू वर्क इन फोटोशॉप। हमने टूल बार स्टार्ट की थी जिसमें हमने टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी, रेक्टेंगुलर, मार्क्यू टूल, लासो टूल, ये सारे सिलेक्शन के टूल्स थे जिसमें आप कोई भी फोटो के पार्ट को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप इन टूल्स को यूज करते थे। क्रॉप टूल अनवांटेड इमेज को कट करने के लिए, ब्रश टूल कहीं पे पेंटिंग करने के लिए, इरेजर इरेज करने के लिए, और लास्ट हमने रेक्टेंगल टूल पढ़ा था जब आपको अपनी कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ करना होता है किसी भी जगह पे। रेक्टेंगल में मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आगे आएंगे। रेक्टेंगल में आप किसी भी तरह के कलर्स, उसकी आउटलाइंस को चेंज करना, उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। तो टुडे वी आर हेयर टू नो अबाउट मोर द टूल, जो टूल्स और हैं उसके बारे में आज देखेंगे। आफ्टर डूइंग द अबव सेटिंग, जब हमने सर्कल एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया, वर्क स्पेस पे क्लिक करो एंड विदाउट रिलीजिंग द माउस बटन ड्रैग एंड ड्रॉ द रेक्टेंगल। इन्होंने बताया कि रेक्टेंगल ड्रॉ कैसे होगा, तो मैं प्रैक्टिकली बताऊंगी रेक्टेंगल ड्रॉ कैसे होगा। रेक्टेंगल के बीच में भी कुछ हिडन टूल्स होते हैं जिसको आप ट्राइंगल पे क्लिक करके निकाल सकते हो। सिंपल रेक्टेंगल बनाना, जिसके कॉर्नर राउंड होते हैं उसको बनाना, एलिप्स मतलब सर्कल में बनाना, पॉलीगन, लाइन एंड कस्टम शेप, तो आप किसी भी तरह की ड्राइंग बना सकते हो इन टूल्स को यूज करके। राउंड रेक्टेंगल में कॉर्नर राउंड होते हैं, एलिप्टिकल में सर्कल या ओवल शेप होती है, पॉलीगन में क्लोज्ड शेप होती है जैसे ट्राइंगल, पेंटागन, हेक्सागन, ये सारी। एंड लाइन टूल सिंपल स्ट्रेट लाइन होती है जिसको आप वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करके हम फोटोशॉप का जो सॉफ्टवेयर है वो हम ओपन करते हैं। क्लिक करके फोटोशॉप जब ओपन हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे आपको मैंने बताया हुआ था लेफ्ट साइड पे आपको टूल बार दिखती है और उस टूल बार में आपके पास मल्टीपल क्या होते हैं, टूल्स होते हैं जिनको यूज करके आप कोई ना कोई ड्राइंग अपने पेज पे, किसी फोटो में एडिटिंग करनी है, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। जैसे जैसे फाइल ओपन हो रही है हम आगे बढ़ते हैं। ग्रेडियंट टूल, ग्रेडियंट टूल यूज होता है टू गिव द ब्लेंडिंग इफेक्ट बिटवीन टू और मोर कलर्स टू द वर्क स्पेस। आपने जो एरिया एड किया है वर्क करने के लिए उसके अंदर कलर करना हो, जिसमें टू या टू से ज्यादा कलर्स को मिक्स करके आप काम करना चाहते हो, दैट इज ग्रेडियंट टूल। तो जब आप ग्रेडियंट पे सिलेक्ट करोगे तो इसकी सारी ऑप्शन आपको कहाँ पे दिखेगी, ऑप्शन बार में। सबसे पहले ग्रेडियंट की टाइप, टाइप मतलब आप कौन सा डिजाइन देना चाहते हो, डिजाइन कौन सा आप बैक स्पेस पे लगाना चाहते हो। लीनियर ग्रेडियंट मतलब वो डिजाइन स्ट्रेट लाइंस में आएगा। रेडियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब वो डिजाइन सर्कल्स में शो होगा जो आप डिजाइन यहाँ से चूज करोगे। टाइप एंगल ग्रेडियंट मतलब कॉनिकल शेप्स के अंदर वो आपको डिजाइन शो होगा या इफेक्ट शो होगा। एंड रिफ्लेक्टेड में स्ट्रेट लाइन होगी बट एक एक रिवर्स इफेक्ट होगा, उसका डबल इफेक्ट देखने को मिलेगा। एंड डायमंड में आपको डायमंड की शेप दिखेगी। जैसे देखो सबकी एग्जांपल है, लीनियर में स्ट्रेट लाइंस है, रेडियल में सर्कल में आ रहा है, एंगल में कॉनिकल शेप, तिकोनी शेप जिसको आप कहते हैं, जिसके कॉर्नर होते हैं। रिफ्लेक्टेड में डबल रिफ्लेक्ट कर रहा है एक साइड पे दूसरी साइड पे। एंड डायमंड में इस तरह से डायमंड की शेप बन के आता है। तो इस तरह के आप कलर्स को चूज कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे फोटोशॉप ओपन हो गया है। हमें सबसे पहले यहाँ पे नई शीट लेनी है, मतलब आपको काम करने के लिए स्पेस चाहिए। तो हमने यहाँ पे जब न्यू पे क्लिक किया, ओके पे किया, तो आपके पास शीट आ गई। सबसे पहले हम रेक्टेंगल बनाना सीख रहे थे, तो यहाँ पे जब मैंने राइट क्लिक किया, देखो रेक्टेंगल, राउंड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगन, लाइन एंड कस्टम। सपोज हमने एलिप्टिकल ले लिया, अगर रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए, राइट क्लिक करके रेक्टेंगल ले लीजिए। ड्रॉ करने के लिए माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके आपको इस तरह से शेप को ड्रॉ करना है। कलरिंग इसकी यहाँ से आप चेंज कर ही सकते हो, और आपको कोई भी कलर और लेना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। अगर सपोज दोबारा क्रिएट करती हूँ मैं, वहां इस तरह से कलरिंग यहाँ से आप कभी भी जो भी आपको चेंज करनी है आप ले सकते हैं। बट हम ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया, यहाँ पे आ गया ग्रेडियंट टूल। ये सारी ग्रेडियंट की ऑप्शंस है, आपको किस तरह का बैकग्राउंड लेना है डिजाइन ले लीजिए। फिर आपके पास आता है लीनियर, लीनियर के बाद आपके पास आता है
रेडियल, रेडियल सबके नेम आएंगे जब माउस लेके जाओगे, एंगल, रिफ्लेक्टेड, डायमंड। तो आप इसमें से सपोज हम डायमंड लेना चाहते हैं और अब यहाँ पे अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको इस तरह से ड्रॉ किया। हम दोबारा दूसरी शीट में लेंगे इसको। सबसे पहले हम आगे वाला टॉपिक पढ़ते हैं। ग्रेडियंट के बाद आता है आपके पास पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट कलर को फिल करने के लिए, जो भी आप शेप लेते हो उस शेप में जब आपको कलर फिल करना है तो आप कैसे यूज करोगे। तो ये क्या है, ये ग्रेडियंट टूल के अंदर ही आपको मिलता है पेंट बकेट, और इसकी जो ऑप्शंस है वो भी आपको वहां पे मिल जाएंगी जब आप पेंट को सिलेक्ट करोगे। ओपेसिटी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे उतनी ऑब्जेक्ट की ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाएगी, जितना लो करोगे कम करोगे ट्रांसपेरेंट होता रहेगा, और जितना हाई करोगे वो क्या हो जाएगा, ओपेक्यू हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल टाइप रूल किसी चीज को टाइप करने के लिए होता है, टेक्स्ट देने के लिए होता है। हम यहाँ पे सपोज हम टेक्स्ट लेना, राइट क्लिक किया, अब देखो हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया, देखो आपको वो वर्ड्स दिख रहे हैं जो मैंने कलर किया था, वो कलर में आपको वो वर्ड्स दिख रहे हैं। अगर मान लो इस चीज को आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके आपको यहाँ से अगर उसका टाइप चेंज करना है, उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है, यहाँ पे उसका साइज चेंज करना है, सपोज छोटा करना है, थोड़ा सा छोटा हो गया, देखो शार्प करना है, सेंटर में करना है, देखो सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में, आप इस तरह से कलर चेंज करना है, आप कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से। देखो इतना कलर चेंज किया था हमने, कलर चेंज हो गया उसका। तो ये आपके पास क्या था, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट। देखो फॉन्ट फैमिली आपको बता दिया जिसमें आप अलग अलग डिजाइन ले सकते हो, स्टाइल में बोल्ड, इटैलिक, साइज बढ़ा सकते हो, लेफ्ट में, लेफ्ट राइट, सेंटर कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, जो हमने सारे यहाँ पे करके देख लिए। ये सारी चीजें बता दी आपको, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट का डिजाइन, साइज हो गया, एंड उसका लेफ्ट राइट सेंटर, एंड उसका कलर चेंज करना। नेक्स्ट आपके पास आता है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल किसके अंदर मिलेगा आपको, ब्रश टूल के अंदर मिलेगा। ये आपकी हेल्प करता है फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए, जैसे बनी बनाई शेप नहीं लेनी, आपने खुद को शेप बनानी है तो आप पेंसिल टूल लेके उस शेप को बना सकते हो, और इसकी सारी ऑप्शंस भी आपको नीचे ऑप्शन बार में देखने को मिलेंगी। चलो ये हमारा था ब्रश टूल, हमने ब्रश टूल पे राइट क्लिक किया तो नीचे आपके पास पेंसिल आता है। पेंसिल का यहाँ पे कोई ब्रश चेंज करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप इस तरह से इसको ड्रॉ करो, ब्रश चेंज करना है चेंज करिए, नहीं तो आप कलर चेंज करना है कलर चेंज करिए। देन आप कलर चेंज करने के बाद जिस तरह की भी चीज आप ड्रॉ करना चाहती हो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। पेंसिल को छोटा करना है, बड़ा करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप बेटा आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी सारी, जो भी हमने टूल्स किए हैं। तो इस तरह से आप किसी भी शेप का जो आप डायग्राम बनाना चाहते हो, देखो पहले आपको कलर चूज करना है, आफ्टर दैट आप रेक्टेंगल या एलिप्टिकल लोगे तो उसका उसी कलर का रेक्टेंगल एलिप्टिकल आपके पास बन के आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिससे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। पेंसिल टूल हमने पढ़ लिया, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट, पेंट बकेट, ग्रेडियंट सॉरी और रेक्टेंगल टूल, ये सारे हमने अच्छे से पढ़ लिए। अगर इनमें से कोई डाउट हुआ देन यू कैन क्लियर इन द लाइव क्लास। और ये आपकी बैक एक्सरसाइज है जिसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक के ऊपर नोट डाउन करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।